दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों इस लॉकडाउन में कई ऐसे वाक्य हुए हैं जो बेहद ही खास है, तो चलिए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही किस्सों पर। किस्सा नंबर एक, इस लॉकडाउन में तो सभी परेशान हैं, लेकिन एक झलक मुंबई में रहने वाली इस महिला पे डाली जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करके अपने बच्चे के लिए ऊटनी के दूध की मांग की थी। दरअसल रेन कुमारी नाम की इस महिला ने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी जी को टैग करके लिखा कि मेरा 3.5 साल का एक बच्चा है जिसे ऑटिज्म की समस्या है और उसे गाय भैंस और बकरी के दूध से एलर्जी भी है, इसलिए वह सिर्फ ऊटनी का दूध पीता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारे पास ऊटनी का दूध उपलब्ध नहीं है। ऐसे में रेनू ने सरकार से अपील की कि उन्हें ऊटनी का दूध मंगवा कर दिया जाए। वैसे तो सरकार से की गई अर्जियां कम ही लगती हैं, लेकिन रेनू कुमार की इस अर्जी को स्वीकार किया गया। आईपीएस अरुण बोथरा के दखल के बाद रेलवे ने 20 लीटर ऊटनी के दूध को राजस्थान से मंगवाया और बच्चे के परिवार को सौंप दिया। किस्सा नंबर दो, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के एक दरोगा जी, जी हाँ दरोगा जी, बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों का एक अलग ही अंदाज में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सिद्धी जिले के एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर भागवत प्रसाद पांडे लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलिंग पर रहते हैं, ऐसे में सड़क पर घूम रहे लोगों को वो कुछ अलग अंदाज और प्यार से और अपने मजाकी अंदाज में सवाल जवाब करते नजर आते हैं। कुछ वीडियो से इनका मजाकिया अंदाज पसंद आता है। आओ यार बातें करते हैं चार, क्या नाम है आपका? भगवान इतनी दहशत, अब मैं घर में रहूंगा, अब मैं घर में रहूंगा। समाज से दुश्मनी आज से बंद, अरे पूरा डायलॉग, समाज से दुश्मनी आज से बंद। बात करने दो, पहले बात करने दो, हमारी फिलॉसफी अलग है। अरे आवाज तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, आखिरकार ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया तुमने? अच्छा है, लॉकडाउन के समय उनकी मजाकिया वीडियो खूब धूम मचा रही है और वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों दरोगा लोगों को सिर्फ हिदायत ही नहीं और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। ये 3,000 रुपए हैं, आप इसको रख लो, है ना, इससे भी आप अपना काम पूरा करते रहो, ठीक है? इसमें आटा है, मसाला है, वो है, दो पैकेट और दे दो, दूध चाहिए बेटा। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब पर इनका चैनल देख सकते हैं। किस्सा नंबर तीन, दोस्तों इसी बीच माँ बेटे की एक ऐसी कहानी भी सामने आई जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल निजामाबाद में रहने वाली 50 वर्षीय रजिया सुल्ताना नाम की यह महिला इस लॉकडाउन में फंसे अपने बेटे निजामुद्दीन को आंध्र प्रदेश से खुद लाने का फैसला करती है और वहाँ वो अपनी स्कूटी पर ही 1400 किलोमीटर का सफर अकेले ही तय करके आंध्र प्रदेश से अपने बेटे को घर लाती है। इसके लिए उन्होंने बोधन के ACP विजयपाल रेड्डी से परमिशन भी ली ताकि कोई भी रास्ते में उन्हें रोक ना सके और उन्हें एक स्पेशल पास दिया गया। किस्सा नंबर चार, आपको याद होगा कि पीएम मोदी जी ने गंगा के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है, हजारों करोड़ों के बजट को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद सवाल यही आता है कि गंगा साफ क्यों नहीं है। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर भी कुछ हालात ऐसे ही थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद नदियों का पानी इतना साफ और स्वच्छ हो गया है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। गंगा सफाई के लिए जो काम पीएम मोदी का एक अलग मंत्रालय और हजारों करोड़ों का बजट नहीं कर पाया, उसे महज कुछ दिनों के लॉकडाउन ने करके दिखाया। देश की हर नदियों का सेम यही हाल है, सब पहले की तुलना में ज्यादा साफ और स्वच्छ हो गई। तो गाइस कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कुछ फायदे निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही वो जो घंटी टिंग उसको भी जरूर दबाएं। थैंक यू।